हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, ये सिर्फ ढाई बरस का काम है। और बीजेपी 18-19 बरस आज की, आज दीदी गोगो योजना की बात हो रही है बीजेपी के तरफ से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दीदी गोगो योजना हम लोग आरंभ करेंगे, क्योंकि ये मैया सम्मान योजना देख करके, उसकी सफलता देख करके कहीं ना कहीं डर गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गोगो दीदी योजना आरंभ करना है तो झारखंड ही क्यों, पूरे देश में आप गोगो दीदी योजना आरंभ कीजिए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ झारखंड ही क्यों, पूरे देश में ही आप गोगो दीदी योजना आरंभ कीजिए। 2019 से पहले 14 महीनों की हम लोग की सरकार थी, और आपको याद होगा कि साड़ी धोती योजना हमारी सरकार ने उस समय चलाया था, और बीजेपी की सरकार आई तो उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। आज हमारी सरकार आने के बाद 2.5 साल के अंदर में हम लोग गिनती कर सकते हैं, ओल्ड पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी, सावित्री बाई फुले योजना, बिजली बिल 200 यूनिट, गिनती हम लगातार बहुत सारी योजना का करा सकते हैं। लेकिन हम इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि बीजेपी अगर सरकार में आती है तो ये योजना रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर आपको हमारी हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सरकार पे भरोसा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका वोट हाथ छाप पे पाकुर में पड़ना चाहिए। और अन्य मैं आपको तहे दिल से यहां से धन्यवाद देना चाहता हूं, कमजोर है कमजोर, क्योंकि 6 का 6 विधानसभा लोकसभा में आपने जिस रूप से दर्ज कर किया, जीत दर्ज किया, वो इतिहास आप लोगों ने बनाया है, इसलिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने संगठन की हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने यही बात कहा कि बाबू 6 का 6 सीट जीते हो तो गुमान मत करना, विधानसभा में भी लाके दिखाओ तब फिर समझेंगे। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से, हेमंत जी जेल के अंदर थे लेकिन आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया, आज वो बाहर आने के बाद मैया सम्मान योजना के साथ अब पूरे देश, पूरे राज्य में जो है एक बड़ा योजना आरंभ किया। और फिर से कहा गया कि दिसंबर से वो योजना 2,500 प्रत्येक महिला को मिलेगा। थोड़ा विशेष करते हैं ये बार लोकसभा रहो हम लोगों ने, ये हम कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले हम लोगों ने जो वादा
किया, चाहे वो पेंशन का हो, आवास का हो, राशन का।